indiewood.com. I am Rachit. Today, आज हमारे यहाँ एक और ट्रिपल वीआईपी के लीजिए या डबल फोर वीआईपी के लीजिए या कितने भी वीवीआईपी ले लीजिए, बट वो मेरे लिए तो बहुत बड़े वीवीआईपी हैं। इनफैक्ट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपने वो सीरियल देखा होगा महाभारत का, जहां पे दुर्योधन ये बने थे, और मैं क्या कहूँ, इनकी जो रिमार्केबल परफॉर्मेंस रही है वो बॉर्डर फिल्म में है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द रिवॉर्डेड एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, रादर अ लीजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इनके बारे में, जो चीज मुझे इनकी बहुत पसंद आती है वो ये कि रफ एंड टफ पर्सनालिटी के साथ साथ, इतनी दबंग आवाज के साथ साथ, इनका दिल भी इतना दबंग है कि हम आभारी हैं ऐसे शख्सियत के साथ में बैठ के इनसे ज्ञान लेना, जो अपना समय निकाल कर आप जैसे लोगों को एक मार्गदर्शन दिखाने के लिए आए हैं। प्लीज वेलकम वन ऑफ द जेम ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, मिस्टर पुनीत इसर। वेलकम टू द शो। अजय नमस्कार। पुनीत जी, पहले तो ये बताइए कि ये आवाज जो है ये वरदान है कि ये आपने ऐसे आवाज बना ली है, मतलब किसी को चिल्ला चिल्ला के डांट के? कुछ नहीं, मैं समझता हूँ कि खुदा की दी हुई खामियां हैं जो लोगों को बेहद पसंद आ गई हैं। बिल्कुल, बहुत ही, मुझे तो बहुत दीवाना हूँ इनफैक्ट। और मैं तो इतना ही बोलूंगा कि आपकी आवाज में जो दबंगियत है वो शायद ही किसी बॉलीवुड एक्टर में इतनी अच्छी होगी, दबंगी आवाज। ये बताइए कि पुनीत जी, पहली बात तो बताइए, हम जानना चाहेंगे, लोग भी, आप जितने भी यंग फैंस हैं आपके, वो ये जानना चाहेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि आपकी कोई पेडिग्री कनेक्शन नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, कैसे शुरुआत हुई आपकी इंडस्ट्री में? जी, मैंने अपना एक्टिंग का कोर्स किया था रोशन तनेजा जी के वहाँ से, 1979। फिर उसके बाद मैं 2 साल वहाँ पे स्पीच और डिक्शन पढ़ाता रहा, तलफ़ुज़ की मैं क्लासेस लिया करता था वहाँ पे। उसके बाद फिर मनमोहन देसाई साहब एक फिल्म बना रहे थे कुली, जिसमें मैंने बतौर एक नेगेटिव कैरेक्टर उसमें प्ले किया था जी। और फिर उस फिल्म से मुझे ख्याति प्राप्त हुई, आई बिकेम फेमस। ओके, ये बताइए कि सफर, जब आप बेसिकली पंजाब के रहने वाले हैं कि कहाँ के? हाँ जी, हैं तो पंजाबी बिल्कुल। बट माय पेरेंट्स बिफोर द पार्टीशन दे वर फ्रॉम रावलपिंडी। ओके, माय मदर वाज फ्रॉम पेशावर। देन आफ्टर द पार्टीशन इन पंजाब, माय फादर वाज इन अंबाला। ओके, एंड देन बट आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, बट डेफिनेटली रूट्स आर इन पंजाब। एक्टिंग का कीड़ा कैसे जागा, मतलब यानी कि किसी लड़की ने आपको बोला या किसी लड़के ने आपको बोला या कि तुम बहुत इतने रफ टफ तो हो, एक्टिंग में क्यों नहीं जाते, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ नहीं था जी। माय फादर इज अ फिल्म डायरेक्टर बेसिकली, उन्होंने एक बहुत फेमस फिल्म बनाई थी प्रेम गीत, आपको याद होगा, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, वो गाना था। तो उन्होंने जगजीत सिंह को एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मेरे फादर साहब ने ब्रेक दिया था। और फिर उसमें राज बब्बर साहब हीरो थे, उन्होंने अनीता राज को ब्रेक दिया था एज ए हीरोइन, वो फिल्म बनाई थी उन्होंने। सो घर में क्या है कि बेसिकली माय फादर वाज अ वोरेशियस रीडर, और हिंदी साहित्य में हिंदी इंग्लिश, सो बहुत ही उर्दू, तो एक था फिल्में, मतलब फिल्मों से एक टच था, यूज टू कीप वॉचिंग फिल्म्स। सो देयर इट यूज टू हैपन दैट सर्टेन फिल्म्स यूज टू लीव अ एवरलास्टिंग इंपैक्ट ऑन योर माइंड। Okay. And some actors used to again leave in, an impression on you. Okay. So then फिर discussions हुआ करता था घर में कि भाई ये कलाकार क्यों ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है, why like this? So that's how एक रुचि एक पैदा हुई, कि एक अच्छा एक्टर क्या है, एक बुरा एक्टर क्या है। बट अगर हम बात करें कैमरे के बारे में, जैसे आपने कैमरा पहली बार फेस करा तो कहीं फंबल हुए, क्योंकि देखा जाता है कि ऋतिक रोशन जब इंडस्ट्री में आए थे तो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि ही वाज अ फंबल एक्टर, तो वो फंबल करते थे वर्ड्स को कहीं ना कहीं, तो ऐसा कुछ था कि कैमरा पहली बार जब आपने फेस करा तो कहीं ना कहीं शायद नर्वसनेस सिचुएशन, इतनी सारी लाइट्स, इतने सारे लोगों को देख के, इतने सारे 25-30 लोगों का क्रू देख कर, कुछ ऐसा था नर्वसनेस? नर्वसनेस नहीं, एक एक्साइटमेंट थी, बिकॉज एक ट्रेंड एक्टर थे, पता था एक्टिंग क्या क्या है, क्या करना, क्या उस कैरेक्टर में हम और अपना डूबे हुए थे। तो एक मैं कहूंगा उस नॉट एग्जैक्टली नर्वसनेस, बट एक एक्साइटमेंट मैं कहूंगा डेफिनेटली। और कोई मापदंड नहीं है कि अगर आप बहुत बड़े कलाकार हैं, इवन सुपरस्टार्स कैन फंबल। ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई इफ यू आर अ गुड एक्टर, यू आर अ ट्रेंड एक्टर, तो आप फंबल नहीं करेंगे, और आप न्यू कमर हैं तो ही आप फंबल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उस वक्त जब सीन आपको मिलता है, जिस तरह एक सचिन तेंदुलकर है, सचिन भी 0 पे आउट होता है। अब वो किससे 0 पे आउट होने का मतलब नहीं है कि वो कोई अच्छा बैट्समैन नहीं है। तो क्या होता है कि जब एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है एक कलाकार के लिए व्हेन इज परफॉर्मिंग, तो जब शॉट दे रहा होता है उस वक्त उसकी कॉन्सेंट्रेशन, मनोदशा क्या है, और उस वक्त वातावरण आसपास का बहुत बढ़िया होना चाहिए। और आदमी जब रिहर्सल्स करता, आदमी तो आई डोंट सी
any issues as such, ki you could fumble or you could, you know, falter. Okay. But at the same time, agar aap fumble bhi karte hain, to aapko ye usme, it is not the end of the world. Ki saab, matlab main bahut bura kalakar hoon, ab usse kahin nahi. Nahi, but kahi baar usse ye shikayat hoti hai, khasa se young actors logon ki, ki jab young actors kisi senior actors ka kaam karte hain, to director thoda pressure mein aata hai, director ko lagta hai ki bhaiya, kahin ye hamara senior actors ka time kharab kar raha hai, to kahin 10 gaali bhi deta hai. To us case mein aapke kya tip rahenge, ki agar maan lijiye ki director usko young actor jab naya pehla break le raha hai, aur usko gaali pad rahi hai, to uske liye kya tips hai, koi nervous breakdown jo hota hai. To maine kaha na ki vatavaran ki maine baat kahi, jo mahol, jab ek ho sakta hai ki jaise aap kisi bahut hi dhurandhar, ek bahut bade superstar ke sath kaam kar rahe hain. और जो डायरेक्टर टेंस्ड है, वो सुपरस्टार को तो कुछ कह नहीं सक रहा, वो बाकी पे अपना गुस्सा निकालेगा जाहिर है, वो डांटेगा, तो जो डांटने में या कुछ कहने में एक्साइटमेंट में हो सकता है कि जो माहौल, जो वातावरण है, वो बहुत ही थोड़ा गंभीर बन जाए. ओके. तो हो सकता है कि नया कलाकार उस वक्त थोड़ा उस दबाव में आ जाए. ओके. तो ऐसे में मेरी यही राय है उन कलाकारों से कि उस वक्त आपको वो पात्र बनना चाहिए जो आप कैरेक्टर कर रहे हैं, और आपके सामने अगर कोई सुपरस्टार या कोई बड़ा कलाकार भी है, सो वो कलाकार भी वो पात्र है, वो कलाकार नहीं, ही इज नॉट अ शाहरुख खान और ही इज नॉट अ अमिताभ बच्चन दैट टाइम. ओके. ही इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर. सो आपका बतौर कलाकार एज अ कैरेक्टर क्या इक्वेशन है, आप किस हिसाब से, आप उस हिसाब से परफॉर्म करें, आप कभी फॉर्मल नहीं करेंगे. उसमें क्या एक यंग टैलेंट थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकता है डायरेक्टर को, थोड़ा सा मुझे समझने की कोशिश करिए ऐसा कुछ. आप उसी मछली की आंख एक कलाकार के लिए होनी चाहिए, डायरेक्टर कहे कुछ या क्राउड चिल्ला रहा है या आपको कोई, उस वक्त आपकी मछली की आंख होनी चाहिए कि मैं ये पात्र प्ले कर रहा हूं और नथिंग इज गोइंग टू इफेक्ट मी. घोड़े के ब्लिंकर्स होते हैं ना जी, वो लगाकर आपको टोटल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सिर्फ अपने पात्र में डूब के काम करना चाहिए. आप कभी किसी से कोई वो अपना प्रभावित नहीं होंगे या आपको कोई अपना, आपको कोई हिला नहीं सकेगा और आप पूरा काम कर सकेंगे. आगे बढ़ते हैं. ये महाभारत आपको सीरियल मिला सॉरी, और उसमें दुर्योधन का किरदार अपनाया, और ये बहुत से लोग ये कहते हैं, अब तो ये ट्रेंड चल गया है कि बहुत सारे मैथोलॉजिकल सीरियल्स आ रहे हैं. लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई एक्टर को मैथोलॉजिकल सीरियल से ब्रेक मिलता है तो उसकी कहानी खत्म हो जाती है तब तक जब तक ये सीरियल चल रहा हो, क्योंकि उसके बाद क्योंकि उसमें तो सबको मालूम है कि जो एक्टिंग वो करेगा वो एक ही स्ट्रेंथ पे करेगा, जैसे कि हमारे अकबर बादशाह या उस जमाने में जो रामचंद्र जी करते थे, जिस तरीके से बात करते थे, तो वैसी. तो यानी कहने का मतलब मेरा ये आपसे सवाल है कि एक्टिंग का जो वेरिएशन है वो तो वहां एक नए कलाकार से देखने को तो नहीं मिलता होगा, तो आपकी क्या राय है कि किसी एक्टर को अगर मैथोलॉजिकल सीरियल मिलता है तो क्या हाँ कर देना चाहिए या उसको दिलेरी से रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती होगी. ऐसा नहीं है जी, देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई जबकि माइथोलॉजिकल एक सीरियल या रोल करने में इट इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज़ द लैंग्वेज इज मोर डिफिकल्ट, सो इट इज नॉट एन इजी थिंग कि अभी नॉर्मल आप हिंदुस्तानी भाषा तो बात नहीं कर रहे, और प्लस एक जो पॉइज जो एक लार्जर देन लाइफ साइज जो कैरेक्टर आप पात्र प्ले करते हैं, ये क्या होता है जी कि हमारे एक हमारे इंडस्ट्री में एक है कि आप जो एक इमेज के प्रति आप बंध जाते हैं, राइट. तो वो अगर आप भगवान राम प्ले करते हैं या कृष्ण भगवान प्ले करते हैं तो डेफिनेटली वो फिर आप बंध जाते हैं कि भैया ये गॉडली इमेज है. बिल्कुल. पर अगर आप उसमें काम अच्छा करते हैं तो हो सकता है कि मेरे इसमें मैं थोड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ बिकॉज मैंने दुर्योधन का पात्र किया, इट वॉज अ नेगेटिव कैरेक्टर, इट वॉज अ ह्यूमन कैरेक्टर, करेक्ट. सो कहीं ना कहीं उस परफॉर्मेंस में ये बात थी कि ह्यूमन एक एलिमेंट था, एक वल्नरेबिलिटी थी. Okay. He was vulnerable character. Okay. Who could cry, who could shout, who could behave like a normal human being. Okay. So, वो बहुत जरूरी है. तो अगर आप उस तरह का पात्र करते, मैं नहीं समझता हूँ कि आपको you will get typecasted, आपको रोल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आप अगर आप अच्छे से काम करेंगे. टेलीविजन की बात आपने करी, अभी फिल्म के बारे में बात करते हैं. अगर मान लीजिए फिल्म टेलीविजन से जो एक्टर जो फिल्म में आते हैं, क्या डिफरेंस होता है कुछ एक्टिंग में या कुछ चैलेंजेस होते हैं या सेम ही होता है, बस ये कि कैनवास बदल जाता है? कैनवस ही बदलता है और क्या. आपको जब आप कलाकार बतौर कलाकार आप काम करते हैं भी, आप तो एक्टिंग कर रहे हैं भाई. एक टेलीविजन सीरीज ले, इडियट बॉक्स, आजकल के जो जो धारावाहिक देखते हैं बहुत ही स्टॉक एक्टिंग मैं कहता हूँ, लेकिन वो आदमी गया इमोशनलेस गया, वे अपनी लाइन्स बोली, वो एक एक डायलॉग है उसको 10 एंगल से शूट करते हैं वो लोग, आपने 10 बार वो बोल दिया, उसके बाद फिर एडिटर जो बेस्ट एंगल से होगा वो रख लेता है.
अगर कोई ऐसा कोई गेम प्लान करता है कोई भी नया टैलेंट कि भाई चलिए यू नो जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर को तो पैसा लगता है हर चीज में प्रोजेक्ट बनाने में, किसी टैलेंट ने उठ के बोल दिया ब्रेकिंग न्यूज करके कि मैं दो फिल्मों के लिए बिल्कुल 0 रुपीज में चार्ज करूंगा काम करूंगा, तो आपको लगता है कि एक मार्केटिंग अच्छी स्ट्रेटेजी होती है एक नए टैलेंट के लिए कि भाई उसको ब्रेक पहला मिल जाए इसी वजह से कि भाई वो पैसा प्रोड्यूसर का पैसा बचा रहा है? मतलब नहीं, बट वो तो एक नए कलाकार को एक कोई न्यू कमर को अगर प्रोड्यूसर ब्रेक ही दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। वो तो वैसे ही भाई कहते हैं ना कि जो जो नीडी है वो एक मांगने के तो उसमें उस पोजीशन में होता ही नहीं है। ओके। और एक न्यू कमर को लेके तो रिस्क तो सारा प्रोड्यूसर का बन जाता है। ओके। सो इट इज बिकॉज इफ अ प्रोड्यूसर इज मेकिंग अ फिल्म विद यू विद अ न्यू कमर यू शुड बी थैंकफुल इनफ कि भाई वो आपको ब्रेक दे रहा है बिकॉज वो सिर्फ आपको पिक्चर नहीं बनाएगा आप भी उतनी पब्लिसिटी का खर्चा करेगा आपको स्टार बनाने में, सो ऑब्वियसली यू शुड बी थैंकफुल टू हिम। सबको मालूम पड़ जाता है कि ये फिल्म जो है चलेगी या नहीं चलेगी नंबर ऑफ व्यूज देखकर यूट्यूब पे, तो क्या ये एक जैसे बोलते हैं ना कि प्री एक डिसीजन हो जाता है या प्री एक कंफर्मेशन मिल जाता है एक टैलेंट के लिए खास जो पहली बार अगर उसकी फर्स्ट फिल्म आ रही है चाहे वो शाहरुख खान के साथ लॉन्च हो रहा हो चाहे वो शाहिद कपूर के साथ लॉन्च हो रहा है, तो क्या ये हो जाता है कि भाई नंबर ऑफ व्यूज अगर उसके ट्रेलर्स में ज्यादा हैं तो फिल्म पिटेगी तो नहीं लेकिन एवरेज एटलीस्ट हिट तो जाएगी? थोड़ा ये मतलब डिबेटेबल बात है। पहली बात तो आजकल का जो मंत्र हो गया प्रमोट और पेरिश, यू हैव टू प्रमोट योर फिल्म एक्सटेंसिवली, बट एट द सेम टाइम प्रमोशन भी मैं देखा है कि कई बार कुछ फिल्में इतनी बड़ी इतनी प्रमोट करते हैं बट फ्राइडे को उसका शो नहीं लगता। ओके। वो 20-30 करोड़ रुपए 15 करोड़ रुपए भी खर्चा कर देते हैं पब्लिसिटी में बट वो जो प्रोमो किस तरह का बना ऑडियंस समहाउ वो सूंघ लेती है कि ये देखने लायक फिल्म है या नहीं, ऐसा भी होता है। तो फिर हम एक्टर्स फिर वापस 20 साल पहले क्यों नहीं चले जाते हैं जब राजेश खन्ना के जमाने की बात आप करें तब भी तो फिल्में हिट हुआ करती थी चाहे वो दिलीप साहब हो तब भी फिल्में हिट हुआ करती थी। आज भी अगर आप एक अच्छी फिल्म बनाते हैं वो आपकी पब्लिसिटी किस तरह की है, नहीं तो पब्लिसिटी है वो पब्लिसिटी आपको सिर्फ फ्राइडे फुल करेगी आपका फ्राइडे या सैटरडे फुल करेगी, मंडे से अगर पिक्चर अच्छी नहीं होगी मंडे से खाली हो जाएगा, मगर फिल्म अच्छी बनाएंगे आप हो सकता है फ्राइडे आपका फुल नहीं होगा सैटरडे थोड़ा कम होगा संडे कम होगा लेकिन मंडे से लोग आना शुरू कर देंगे। आपको मिसाल के तौर पे बड़ी एग्जांपल देता हूं मैं, गदर फिल्म लगी थी गदर। ओके। गदर के साथ एक पता नहीं आमिर खान की शायद की फिल्म लगी थी वो फ्राइडे सैटरडे संडे शायद तीनों मैं नाम भूल गया उनका वो तीनों दिन फुल था गदर के फुल नहीं थे बट गदर ने मंडे से फुल होना शुरू किया एंड दैट फिल्म कलेक्टेड ऑलमोस्ट 200 करोड़। ओके। गदर हैड कलेक्टेड 200 करोड़ देन आज से इतने साल पहले। ओके। सो होता है कि कई बार आपको फिल्म सो ये कोई मापदंड नहीं है कि अगर आप पब्लिसिटी करेंगे तो ही फिल्म चलेगी और अगर आप नहीं करेंगे फिल्म अच्छी होगी तो ही चलेगी। कई बार होता है कि आप पब्लिसिटी ना भी करें और आपने फिल्म आपकी अच्छी बनी है तो फिल्म ठीक ठीक इट विद माउथ पब्लिसिटी पिक्स अप। और कई बार ऐसी कितनी फिल्में बीच में कौन सी मैं नाम भूल गया एक फिल्म आई थी अब्बास मस्तान साहब की रेस टू नहीं चली फिल्म उसका पीएनए का बजट था 18-20 करोड़ का 20 करोड़ लगाने के बावजूद तो फिर अगर कोई प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट कटिंग का पब्लिसिटी में कर ले तो आपको लगता नहीं कि एक फायदा हो जाएगा नया ट्रेंड हो जाएगा प्रोड्यूसर के कुछ पैसे वो हमें बचेंगे? अब वही मेरा वही आपसे सवाल है ना कि पब्लिसिटी तो आज हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक फ्राइडे को 4 फिल्में रिलीज होती है तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए पब्लिसिटी करना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको अवेयर करने के लिए भी हमारी ये फिल्म देखी आगे। सवाल ये है कि दिलीप साहब के जमाने में चलिए ठीक है वहां उस जमाने में फिल्में कम हुआ करती थी लेकिन अगर वो ट्रेंड हम फिर से फॉलो करें तो आपको लगता नहीं कि कॉस्ट कटिंग फैक्टर हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए? डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग फैक्टर होगा बट ये किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी। ओके। तो क्या इंडस्ट्री डर रही है? डर नहीं रही है। तो इंडस्ट्री पैसे के पीछे भाग रही है कि भाई हमें पैसा आने तो बताने दो? नहीं, पीपल आजकल का सोडा वाटर बॉटल थ्योरी चल रही है कि एक झटके में आप 1000 प्रिंट लगाओ और दो पहले 3 दिन में जो आदमी कमा लेता है वही कमा लेता है। दैट्स ऑल्सो नाइ वॉश। अभी जो बात करते हैं कई बार आपने देखा होगा कि भाई 100 करोड़ रुपया आ गया बट 100 करोड़ में से आपके जो टैक्सेस हैं जो थिएटर के भाड़े हैं दैट इज अबाउट 60%, तो आया कितना आपके हाथ में? ओके। ये बताइए कई बार ऐसे होता है आपकी क्या राय इसमें कि जैसे कोई फिल्म 100 करोड़ हिट करती है फॉर एग्जांपल
और पर्सनल अगर आपकी मान लीजिए आपकी व्यू हुई या मेरी व्यू हुई कि भाई वो फिल्म मुझे पसंद नहीं आई, आपको पसंद नहीं आई, 10 लोगों को और भी पसंद नहीं आई, तो क्या ये 100 करोड़ जो क्लब होता है ये एक्टर को बहुत सेफ सेल करवाता है समुद्र के ऊपर में या क्या? डेफिनेटली, बिकॉज देखिए ना, जितनी सलमान खान की फिल्में हैं, जो हिट फिल्में हुई हैं, मतलब पहले भी, आज नहीं, पहले क्या थी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया और ये जो मैगजीन वाले जो अक्सर जो ये दिया करते थे रिव्यूज, मतलब मैं कई फिल्मों के उन्होंने रिव्यूज देना बंद कर दिए थे कि नहीं तो हम इसको एक भी रेटिंग नहीं देंगे. मनमोहन देसाई किसी फिल्म को शायद 1 या 2 स्टार से ऊपर नहीं मिला, और उसकी 17 फिल्में गोल्डन जुबली थी वो में. सलमान खान की कितनी फिल्में लगती हैं तो लोग उसको 1.5 स्टार देते हैं, बट वो फिल्म तो 150-200 करोड़ धंधा कर लेती है. और मैंने अक्सर अमूमन देखा है कि कितनी जो जिनको 5 स्टार 4 स्टार दे देते हैं वो तो फिल्में चलती नहीं है. Because वो जो स्टार्स देना है, क्या लोग ऑडियंस भी समझदार हो गई है. वो पढ़ती जरूर है, बट डिसीजन वो खुद देती है फिल्म देखने के बाद कि वो देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए. How much will be your age currently? Me? I'm 55 years old. और मुझे जब सामने सामने देख रहा हूँ तो मुझे तो आप 38, 40 के लग रहे हैं फिलहाल. ये बताइए, जानना चाहेंगे कि ये कैसे आपने मेंटेन करा है, मतलब how you look so dynamic in personality? Because you have to train. एक कलाकार के लिए जो उसका शोकेस है वो उसका शरीर है, उसकी बॉडी है, उसका फेस है, उसकी आवाज है. आप पार्टी वार्टी में बिलीव नहीं करते? और एक्ट्रेस, आई डू बिलीव, नॉट दैट, आई गो टू पार्टीज, ओके, बट पार्टीज जो ढंग की हो, जो दोस्त यारों की हो, डेफिनेटली. पार्टीज कितनी कितनी जरूरी होती है एक एक्टर के लिए? नो, आई डोंट थिंक सो. ओके, तो मतलब एक्टर हैज टू बी डिसिप्लिन ऑलवेज. आई मीन नॉट ऑल, यू शुड बी, सी, यू हैव टू फॉलो द गोल्डन रूल वेयर भाई हर चीज अगर आप एक लिमिट में करें, ठीक है. आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, बट दैट डजंट मीन दैट पीपल हु ड्रिंक एंड स्मोक आर बैड. तो क्या है कि इट इज नॉट कोई मतलब मापदंड नहीं है, बट यह है कि भाई बिकॉज यू नो एक्टर इज हैज टू बी केयरफुल बिकॉज ही हैज टू परफॉर्म, ही हैज टू लुक गुड ऑन स्क्रीन. दिस इज वॉट वी आर सेलिंग, आवर एक्सटीरियर, हमारी जो बॉडी है और हमारा जो टैलेंट है. तो उसके लिए अगर आप फिट रहें तो बेहतर है. सो आई एम इनटू वर्कआउट्स, आई डू मार्शल आर्ट्स, आई डू वेट ट्रेनिंग, आई ट्रेन डेली अबाउट ऑलमोस्ट, इफ आई कैन आई वुड हैव ट्रेन अबाउट 6 आवर्स अ डे, बट मैं 3 घंटा तो कर ही लेता हूँ. दोस्तों आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से कि कोई 55 ईयर का लीजेंड आदमी कैसे 40 इयर्स का लग सकता है, 15 इयर्स बिलो डीप द लॉन डीप डाउन द लाइन. आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर आप सिर्फ ये इंटरव्यू जस्ट आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए तो ये गलत है. ये मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप इनकी ये बात मान लेते हैं तो आई एम श्योर कि एज इज नॉट गोइंग टू कम टू यू एंड डेफिनेटली यू विल ऑलवेज राइज लाइक हिम. ये बताइए पुनीत जी कि बेसिकली जब आप यू नो शूट पे जाते हैं या एक्टिंग करते हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, बहुत सारी फिल्में सीरियल्स डायरेक्ट करें या फिल्में डायरेक्ट करी हैं, सलमान खान साहब के साथ में आपने काम करा है, और मतलब कहने का मतलब मेरा ये कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के में आज की एज में एक्टिंग ज़्यादा है आपको जो मज़ा आती है डायरेक्शन, या दोनों में ज़्यादा मज़ा है? दोनों का अपना अपना अलग अलग लुत्फ है. सी एज एन एक्टर यू नो यू आर गेटिंग टू डू अ कैरेक्टर व्हिच समबडी एल्स इज कंसीव्ड, एक डिफरेंट एक उसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है. बट यू आर ट्राइंग टू बी समबडी विच यू आर नॉट, और व्हेन यू आर डायरेक्टिंग अ फिल्म इट इज व्हाट इज यू आर ट्राइंग टू कंसेप्चुलाइज योर ओन ड्रीम ओन इमेजिनेशन. तो आप जो सो जॉब इज वेरी जॉब डायरेक्शन इज वेरी जॉब सेटिस्फाइंग, पर एक एज एन एक्टर जब आदमी काम करता है तो आदमी को खुद का किक होता है, यार मैंने एक ऐसा पात्र किया है. जैसे मैंने अभी ये नई महाभारत में मैंने परशुराम का पात्र किया. तो आपने परशुराम क्यों लिया? आप तो दुर्योधन में तो दुर्योधन सुपर हिट था, मैं कर लेबी, बट आई वांटेड टू डू दैट, आई हैव ऑलरेडी डन. ओके, तो परशुराम एक कैरेक्टर था जो मैंने था कि यार ये बहुत ही कमाल का पात्र है. उसकी जो एक जो डिमेनर उस कैरेक्टर का, जो जाहो जलाल जो उस कैरेक्टर का है, और मैंने पढ़ा हुआ परशुराम के बारे में बहुत. सो दैट्स व्हाई आई कुड परफॉर्म, आई कुड बिलीव इन दैट कैरेक्टर एंड डू इट. That means to say you need to research first and then you need to go in front of the camera. As an actor, why not? You should. जैसे मैंने जब दुर्योधन किया था तो हमें चोपड़ा साहब ने साइन किया था 86 में. लकी फॉर अस दैट इट स्टार्टेड इन 88. तो मुझे 2-2.5 साल प्रिपरेशन के मिल गए थे. उस दौरान मैंने जितनी किताबें हो सकती थी मैंने पढ़ डाली थी महाभारत के मुतालिक, और स्पेशली दुर्योधन के कैरेक्टर के दृष्टिकोण से. तो एक उरुभंगम एक किताब थी, महाकवि भास ने लिखी है, उस किताब को मैंने याद किया, मैंने कंठस्थ याद कर लिया था. What a nice thought, in fact. I mean, एक जयद्रथ वध एक किताब थी, मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, मुझे आज भी कंठस्थ याद है.
बहुत कम एक्टर्स हैं पुनीत जी की बहुत जो रिसर्च करके मैदान में यू नो जंग लड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत से एक्टर्स आप देखिए बहुत से लोगों को तो आइडिया भी नहीं होता कि वो क्या पात्र अपना रहे हैं, एंड डेफिनेटली दे जस्ट गो एंड हिट द कैमरा, बिकॉज़ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर वर्किंग एज एन एक्टर यू शुड नो द कैरेक्टर, यू शुड हैव अ रिसर्च वर्क, यू शुड डू स्टडी, और हार्ड वर्क ऑलवेज पेज. अब आजकल के आप देखिए जो कलाकार जो काम करते हैं, कई नहीं वो ये नहीं कहता कि अच्छे हैं बुरे हैं, बट वो लगता है कहीं पे यार वो रूह मिस हो रही है. Mm-hmm. वो यार वो जो समथिंग इज मिसिंग, वो जो प्राण तत्व कहते हैं जिसको, वो हर एक कैरेक्टर का प्राण तत्व होता है. आजकल आप देखिए ये जो रणवीर सिंह करता है, यार जो रणवीर कपूर है, सो दे ब्रिलियंट. ओके, आजकल के ये लड़के बहुत टैलेंटेड है. आई थिंक रणवीर कपूर इज द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव आजकल की जनरेशन का. ओके, ब्रिलियंट एक्टर. सो कहने का उसका हार्डवर्क देखिए ना आप, उन एक्टर्स का हार्डवर्क देखिए. ओके, सो फॉर यंगस्टर्स मैं ये कहना चाहूंगा, आप जब भी अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप डूब जाइए उसमें. आपकी भाषा, आपका स्पीच डिक्शन शुड बी फैंटास्टिक, योर वॉइस, वर्क ऑन योर वॉइस, वर्क ऑन योर बॉडी, वर्क ऑन योर मैनरिज्म्स, योर बॉडी पॉस्चर्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर एन एक्टर. कभी अगर ऐसा हुआ है कि वाकई की कोई नया टैलेंट अगर कूदता है और फॉर एग्जांपल उसको विलेन का रोल मिल जाता है, जानते हुए कि उसका फेस बहुत अच्छा है, ही इज परफेक्ट एज अ हीरो, ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ, सो कि भाई मैं हीरो की तरह ही लैंड करूंगा, बट क्या अगर उसको विलेन का रोल मिलता है तो इन व्हाट ही शुड डू, आई मीन ही शुड कैरी फॉरवर्ड, ही शुड एक्सेप्ट दैट रोल, डिपेंड्स व्हाट उस विलेन का पात्र क्या है. एक होता है कि भाई विलेन का गुड लुकिंग, एक अच्छे हैंडसम शक्ल वाला भी तो आदमी बुरा हो सकता है. जब आप जो भी पात्र करते हैं, आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं, अगर आप फुल कन्विक्शन से नहीं करेंगे तो वो आपके सामने उभर के नहीं आएगा. देन यू हैव टू गो विथ योर इनर गट फीलिंग. और कभी अगर ऐसा वाकया हुआ कि कोई प्रोड्यूसर आपके पास आता है और बोलता है कि भाई पुनीत जी हम आपको इतना पैसा देंगे, एक्स वाई प्लस वाई अमाउंट देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये कि स्क्रिप्ट जो है यही रहेगी जिसमें कि आपको कुछ ज्यादा चुनौतीपूर्ण करने को नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता, तो वुड यू सजेस्ट लेट द इकोनॉमिक्स इन कंपैरिजन टू द, इट डिपेंड्स. देखिए क्या है कि बिकॉज एक कलाकार जो है चार चीजों के लिए काम करता है. कलाकार जो है ये जानते हुए कि अगर आपकी वो फिल्म जो शाहरुख खान के साथ में था या सलमान खान, मैं कहता हूँ वो फिल्म रॉबर्टी नेरो के साथ, वो मार्लन ब्रांडो के साथ क्यों ना हो. ओके, इट डिपेंड्स. बेसिकली एक्टर्स वर्क फॉर फोर रीजंस. ओके, फर्स्ट इज द स्क्रिप्ट, द रोल, सेकंड इज द मनी, थर्ड इज द बैनर, एंड फोर्थ इज द रिलेशनशिप. आदमी चार चीजों के लिए काम करता है. आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल द एक्टर्स. ये चार चीजों के लिए करता है. वो कोई आदमी पैसों के लिए कर लेता है, कोई सिर्फ रोल के लिए करता है, कोई सिर्फ रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए करता है, और कोई के बैनर भी, मैं आम वर्किंग विद करण जोहर और यश चोपड़ा बैनर, इनको बनाने करना चाहिए, कोई ऐसे भी करते हैं काम. बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल, उसको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं कि नहीं भाई मैं तो सिर्फ रोल के लिए ही काम करूंगा, तो फिर मुझे ना मेरे लिए पैसा मटीरियल है, मेरे लिए रिलेशनशिप मटेरियल है, मेरे लिए बैनर बड़ा भाड़ में गया वो है, मैं तो रोल के लिए करूंगा. ऐसे भी कलाकार हैं. कुछ है कि छोड़ना यार क्या फर्क पड़ता है, पैसे आए ठीक है यार, इसमें इतने पैसे ले लिए, अगली फिल्म में रोल के लिए कर लूंगा. कुछ लोग करते नहीं यार, एक कैंपबाजी है, हमको एक बड़े कैंप पे रहना है तो मैं उसके लिए. तो ये हर एक व्यक्ति पर निर्भर करता है वो क्या चाहता है. ऐसे भी कलाकार हैं जो बड़े लोगों को मना कर देते हैं कि नहीं यार मैं नहीं करूंगा, मुझे जब तक रोल अच्छा नहीं ले मैं नहीं करूंगा. लेकिन जब कास्टिंग होती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रिलेशनशिप्स कुछ बहुत अच्छे, तीन एक्टर्स के साथ बहुत अच्छे हैं, मान ले पड़ा कि वो जो चौथा जो एक्टर आ रहा है वो शायद कहीं ना कहीं आपके उसमें खटपट हो, जो भी वगैरह वगैरह, तब उस केस में क्या वो चौथे को आप तीनों ड्रॉप कर सकते हैं या क्या होता है बेसिकली. एक एक्टर की वैसे वो चौथे एक्टर को ड्रॉप कर सकता है अगर वो एक्टर सेलेबल होगा उसकी. सी नथिंग यहाँ पे क्या है जी के हुज रूलिंग द रूस्ट, मतलब कौन व्यक्ति जो है वो कमांड करता है पोजीशन. भाई बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है. ओके, अगर प्रोड्यूसर बड़ा है तो वो एक्टर को खाएगा, अगर एक्टर बड़ा है तो वो अपने हिसाब से यार ये नहीं ये हीरो रख दो, यार ये कैरेक्टर एक्टर इसको लो उसको लो उसको लो, नहीं यार मेरी उसे बनती नहीं उसको आउट कर दो.
तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उस स्टार से पिक्चर बनाएगा कि वो बोल नहीं साहब मेरी फिल्म में वो ही होगा, नहीं करेगा ना. सो इट इज इट्स अ बॉल गेम, इट्स अ विशियस सर्कल. फिल्म इंडस्ट्री इज अ वेरी विशियस सर्कल. तो फिर ये ओपनली फिर क्यों नहीं लोग अपना गुस्सा जाहिर करते हैं? मान लीजिए कि ये सुनने में भी आता है कि भाई किसी एक्टर को उसी वैसे उसको हटा दिया गया, तो वो जाके क्यों नहीं वो फिर उसके खिलाफ में जाके कुछ बोल सकता है कोई एक्टर के ऐसे? क्यों नहीं, तो नीति है जो राजनीति क्या कहते हैं. आप देखिए हमारे यहाँ पे जितने कलाकार हैं, हमारे कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि सब आपकी वो जो फिल्म आप अपनी फिल्म बनाते हैं यार, वो जो पिक्चर देखने आएगा अगर वो आके बहुत अच्छी फिल्म बनाई बेटा अगर बात करेगा तो शोर शोर की पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, और अगर चुपचाप चला गया मतलब की पिक्चर हिट हो जाएगी. दोगलापन तो है. और ये किस मिलार फिल्म है तो ऊपर से बहुत पॉलिटिक्स है, जो कई कलाकार होते हैं, कुछ बहुत कम होते हैं जो बड़े फ्रैंक होते हैं. ऊपर से आप भाई जब आप विलन जब हम थे, मुझे याद है जब नए नए हम आए थे तो जितनी अच्छी बॉडी थी तो वो कह रहे हैं यार तेरी यू लुकिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा. तो आदमी सोचा मैं जोश में और काम करके दिखाऊंगा और बॉडी दिखाऊंगा, पता चला रोल ही कट गया, डायलॉग्स कट गए. वो कब कैंची चली, किससे कैंची चली, पता नहीं चलता था आपको. तो क्या है कि वी डोंट नो. सो दिस इज द वे, नॉट ओनली हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हर क्षेत्र में ये रहेगा. बट एट द सेम टाइम जो जो टैलेंटेड है उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए भाई. अल्टीमेटली अगर भी जो जिस वो कहते ना कि मुर्गा अगर भांग नहीं देगा तो क्या सूर्योदय नहीं होगा? सूर्योदय तो होगा. तो जिसमें अगर टैलेंट है वो तो राइज करेगा, करेगा. वो फिर कितने भी आपको कोई वो दबाने की कोशिश करे, कुछ करे, उससे फर्क नहीं पड़ता. ग्रेट थॉट, ग्रेट, वेरी ग्रेट थॉट. हम बहुत अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं. फिर से हम बात करना चाहेंगे आपके 55 साल के राज की, जो आप इतने यंग लगते हैं. हमारे टैलेंट साहब की यूथ फैंस जानना चाहेंगे कि आपकी दिनचर्या कैसे होती है शुरुआत में जब आप काम पे रहते हैं, यानी कि आप जब शुरुआत सवेरे उठते हैं सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, और उसके बावजूद भी जब आप काम से वापस आते हैं तो आपकी वो सेट पे क्या रूटीन रहता है, और जब आप नहीं रहते हैं शूटिंग पे तब आप क्या करना पसंद करते हैं? देखिए जब मैं मतलब अगर जब शूटिंग नहीं कर रहा होता तो आई लाइक टू गेट अप अराउंड 7:38. I don't know, I like to get up at 7:38 because I'm a late sleeper. I don't sleep before 1:32. मैं टीवी देखता हूँ, फिल्म देखने का शौक है. सो मैं उठना चाहता हूँ, I like to get up at 7:30, 7:30 के आसपास उठकर then जो बीच में चाय वाय पीकर मैं उसके बाद में I like to go to the gym around 9 o'clock. सो 11:30 तक जिम करना पसंद करता हूँ मैं, 9 से 11:30, 12 तक. उसके बाद वापस ये पैशन है या ये बकायदा आपको ये पैशन है क्योंकि एक्टर हैं इसलिए? नहीं नहीं नहीं, पैशन है जी. अगर मैं अगर कलाकार ना भी होता तो भी शायद तो शायद ज्यादा करता शायद. तो एक अगर के आके उसके बाद फिर दफ्तर ऑफिस चले गए, ताकि हमारा फिल्म इंडस्ट्री का जो काम है वो बेसिकली पोस्ट लंच ही होता है. तो उसके बाद आए घर पे, आए नाश्ता वाश्ता करके एक ब्रंच करके तो 12:30 दफ्तर चले गए. दफ्तर में फिर जिस राइटर्स आ गए, स्क्रिप्ट बैठना है, क्या काम करना है, क्या करना है, करके दोपहर तक रहे वहीं पे. फिर शाम को आई लाइक कमिंग होम बाय अबाउट 5:36. डाइट में आप क्या लेना चाहते लेते हैं नॉर्मली आप, जो जो आपको इतना ज्यादा स्ट्रांग, इतना रिजिड और इतना रफ एंड टफ रखता है आपको? दैट डाइट, आई ईट एवरीथिंग, आई फॉलो द गोल्डन रूल, हैव एवरीथिंग इन लिमिट्स. ज्यादा फ्राइड चीजें नहीं खाया अभी तो बेहतर है. दैट्स इट. ओके, फिर शाम को आप शाम को कम बैक एंड देन जैसे अब वक्त हो गया आपसे, मैंने 6 बजे का आपसे टाइम था, अब 7 बजे का मेरा घंटी बज रही है, अब मेरा जॉगिंग का टाइम है. ओके, आई वुड लाइक टू गो फॉर अ रन. ओके, 1 घंटा आई विल रन. ओके, 1 घंटे के लिए आई डू कार्डियो, कार्डियो करके आऊंगा, फिर आधा 1 घंटा मार्शल आर्ट्स कुछ करूंगा नीचे, मेरा जिम है नीचे, आई विल ट्रेन अगेन. सो 1.5-2 घंटे का मेरा वर्कआउट अब होगा. ग्रेट. सो दैट्स अराउंड बिटवीन 7 और 9 के बीच में का टाइम होता है, 7 से 9 का. Okay. I like to train. You are a restless actor in fact. और जब 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 shooting होती है तब कैसे होता है फिर ये? Shooting होती तो फिर वो the day it's a 9 o'clock shift in the morning. So I try to get around 5:30. Okay. Hit the gym at 6. Okay. 6 to 8. Okay. Gym. Come back. Okay. Leave at 8:30. Shoot. Then फिर रात को आके फिर workout नहीं होता फिर. तो उन दिनों में कम कर देते हैं. Okay. तो उन दिनों में खाली सुबह एक ही time workout कर लेते हैं. अगर कहीं बहुत late night हो गई तो फिर सुबह का workout miss हो गया. तो आफ्टर पैक अप आई डोंट कम होम. फिर 9 बजे के बाद 9:30-10 बजे जिम पहुंचे. 10 से 11 कर लिए, घंटा कर लिया. Such a inspiration. You are a source of inspiration. But I don't see what I do is I try to again follow the golden rule. अगर एक आप नहीं भी किया तो ऐसा ही कोई आफत टूट पड़ी है कि भाई अब कुछ हो गया, वर्ल्ड इज एंडेड. नो, बट आई ट्राई वर्किंग आउट 5 डेज अ वीक.
great. You are a source of inspiration for others. चलते एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, बहुत genuine सवाल है, आपकी personal राय भी जानना चाहूंगा. बहुत से जो नए लड़के लड़कियां जो मुंबई सिटी में आते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत जगह पे कॉट अप हो जाते हैं, चाहे वो दोस्ती हो. अब दोस्ती के चक्कर में कोई प्यार हो जाता है किसी लड़कों को, किसी लड़की से इश्क हो जाता है. अब कहीं मालूम पड़ता है किसी लड़की ने ना कर दिया है, तो उस चक्कर में डिप्रेशन लेवल ज्यादा हाई हो जाता है. और मालूम पड़ता है कि डिप्रेशन लेवल जब इतना ज्यादा हाई है, और अचानक से उनको फोन आती है प्रोड्यूसर की, भाई कल आपको सवेरे 9 बजे सेट पे पहुंचना है. सवाल ये है कि ऐसे केस में क्या एक्टर का माइंडसेट डिस्टर्ब नहीं होता है? डोंट यू थिंक सो कि अगर वही मूड वो लेके जाए जैसे हम बोलते हैं डिप्रेशन, तो क्या वो डिप्रेशन में भी अपने आप को कैरी कर सकता है एक्टर, और क्या करना चाहिए उसको? नहीं देखिए, कला फॉर अ कलाकार एन एक्टर हैज टू बी लाइक अ पेंडुलम इन यूर इन इट एंड आउट ऑफ इट. इन द सेंस आपको जब आप एक शूटिंग पे आप जाते हैं, आपके घर पे आपके किसी घर की आपके किसी की मौत भी क्यों ना होगी हो, या कुछ भी हो गया हो, आप उसको कैरी फॉरवर्ड लेकर नहीं जाएंगे सेट पर, तो आप काम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, वो अगर इट इज योर प्रोफेशन, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल एक्टर. आपके लाइफ में आपकी गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया, या गर्लफ्रेंड ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, वो आपकी निजी जिंदगी है. आप यहाँ पे बतौर कलाकार काम कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर आप पे पैसे लगा रहा है, ही इज हैविंग फेथ इन यू, सो इट इज योर ब्लडी वेल जॉब दैट यू मस्ट बी देयर ऑन टाइम. And you must give 100%. It's very important for an actor. अरे हमारे में बस नानक दुखिया सब संसार, हर एक के संसार में कोई ना कोई लाइफ में कोई जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी. और उसका मतलब नहीं कि मैं that should affect my shooting. It should not. But that's what you're a professional. Okay. Shooting पे जाए, total concentration के साथ आप जाके अपना काम करें, give your 100% for the shooting. Backup के बाद फिर आप कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आता है. लेकिन मतलब ये कि मतलब डिप्रेशन को जो है दोस्ती नहीं करनी चाहिए, डिप्रेशन को जितना आप दूर रखें प्रोफेशनल लाइफ को और उसको हमेशा एंड करें, तो ज्यादा आपके लिए सक्सेसफुल के दरवाजा खुलता है. हां डेफिनेटली. एंड में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे तीन चीजें टैलेंट को, सिर्फ तीन चीजें जो शायद आपको आप जो यू नो टिप्स देना चाहेंगे जिसे बोलते हैं, क्योंकि बहुत कम होते हैं एक्टर्स आपकी तरह इंडस्ट्री में जो इतना कीमती समय निकाल पाते हैं और अपने फैंस को भी एक नया पुनीत इस्सर देना चाहते हैं, तो वो क्या तीन? मैं ये कहना चाहूंगा जी, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क. नंबर वन इज दैट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन योर ओन टैलेंट, on your speech, your diction, your body, your expressions, your body language, everything. If you're an actor, agar aap ek action kar rahe hain to aapko action bhi aana chahiye, aapko dance bhi aana chahiye. Physically you have to be 100% physically, mentally you have to be alert. To uske liye aapko ye jo as an actor jo aapki cheeze hain, ye to hard work to bahut zaruri hai. Okay, number 1. Okay, number 2 is that your commitment level. You have to commit 100% whatever you do. Otherwise, मत करिए. Because आपको यहाँ पे आजकल इतना competition है, कोई आपको chance बार बार नहीं देगा. बिल्कुल. आपको जो मौका मिलता है 100% commitment के साथ आप काम करिए. Give your 100%. Which is very very important. And number 3, which I would say, have faith in God and be polite. You don't know. On the way, कई मरतबा आपको लगेगा यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए. Sometimes आपके साथ बहुत बुरा होगा, आपको लगेगा यार ये, but maybe in the largest perspective, God wants you not to do this now. शायद वो ना करने से आगे शायद आपको और कुछ बेटर आने वाला है. This is very important. And you have to be very courteous, very polite. We have to be humble. Great. What a very important thought by a very VVIP actor. दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है तो आप प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इनको मत सुनिए, बिकॉज ही इज नॉट जस्ट एन एक्टर, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. पीपल लाइक हिम इन द इंडस्ट्री आर वेरी फ्यू हु हैव अ पैशन टू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू टू हेल्प यू आउट टू मेक अनदर पुनीत इस्सर और अनदर शाहरुख खान. सो रिमेंबर वन थिंग, डू योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर कि जिस दिन आप भी एक इनकी एडवाइस सुन के जब आप एक नए एक्टर बनेंगे, एंड वेन यू कम एंड मीट हिम अप, इन फैक्ट यू विल बी वेरी हैप्पी टू थैंक हिम फॉर हिज एडवाइस, फॉर हिज जेन्युइननेस. एनीवे पुनीत जी, बहुत अच्छा लगा, आपने इतना समय दिया, कीमती समय दिया, जेम ऑफ अ पर्सन, एंड रियली थैंकफुल टू यू कि जैसे मैंने पहले कहा कि यू नो बहुत फ्यू लोग हैं जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अपने यू नो फैंस के लिए भी, जो इंडी टैलेंट्स भी हैं. थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग देम आउट, एंड वी आर ऑल आर ओब्लाइज्ड फॉर यू.
धन्यवाद।